हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो अंडा करी बनाने के लिए मैंने 5 अंडे लिए। अंडे को मैंने बॉईल कर लिया है और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है, एक टमाटर बारीक काट लिया है और एक बड़ा अदरक का टुकड़ा, एक पूरा लहसुन लिया है और कुछ धनिया पत्ता, एक बड़ा नारियल का टुकड़ा, एक चम्मच जीरा और ये मसाले लिए हैं। उसमें एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च लिया है, ये कलर वाला मिर्च है, आधा चम्मच लिया है, एक चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है और एक बड़ा टेबलस्पून अंडा करी मसाला लिया है। तो आज की रेसिपी को शुरुआत करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले अंडे को फ्राई कर लूँगी। अगर आपको अंडा फ्राई वाला पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और सबसे पहले मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाला है। तेल को मैं गर्म होने दूँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं अंडे को डाल लूँगी, नहीं तो अंडा नीचे से चिपक जाएगा। तेल अभी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं अंडा डालूंगी। अंडे को पलट पलट के मैं सभी तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी और ग्रेवी के लिए मसाला रोस्ट कर लूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मसाला रोस्ट करने के लिए, आधा टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें मैं ये एक चम्मच जीरा डाल दूंगी, साथ में ये प्याज भी डाल दूंगी, ये नारियल के टुकड़े भी डाल दूंगी और अदरक लहसुन भी डाल दूंगी। सभी मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। मैं मसाले की सब्जी बनाते समय इसी तरह मसाले को पहले से ही पूरे मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि मसाले को बाद में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप इसमें होल मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पीसा हुआ मसाला है इसलिए मैं होल मसाले का यूज नहीं करती। टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, तब तक के रोस्ट करेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लूँगी। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। आप सब्जी के हिसाब से ऑयल और सभी मसाले डाल सकते हो। गरम हो चुका है, इसमें मैं एक तेजपत्ता डालूंगी और ये पीसा हुआ मसाला है वो डालूंगी। मैं
इसे चलाते रहूंगी और दो मिनट अच्छे से पका लूंगी, जब तक के मसाले को पूरा तेल नहीं छूट जाता है। अभी मसाला रोस्ट हो चुका है और मसाले को तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें ये सभी अंडा करी मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल तिखट मिर्च, कलर वाला मिर्च और नमक हल्दी सब डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पॉट में जो मसाला लगा था उसी में मैं पानी डाल के मसाले में पानी छोड़ दूंगी। आधा कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। मसाले को अब कढ़ाई को मैं एक प्लेट से ढक दूंगी और धीमी आंच पे इसे 3-4 मिनट तक पकने दूंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी प्लेट के ऊपर। आधा ग्लास अच्छे पानी रखूंगी। इससे मसाला नीचे से जलेगा नहीं और अच्छी तरह से पक जाएगा और ये पानी सिर्फ फिर हम सब्जी में भी डाल सकते हैं। प्लेट के ऊपर मैंने जो पानी रखा था वो गर्म हो चुका है, ये आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। पहले मैं मसाला देखूंगी अच्छे से पका है या नहीं। मसाला अच्छे से पक चुका है, मैं ये गरम पानी डालूंगी। तो इसी मसाले में मैंने दो ही अंडे फ्राई करे थे, बाकी अंडे मैं ऐसे ही डालूंगी। पूरे भी अंडे फ्राई कर सकते हो। फिर से मैं इस पे प्लेट रख दूंगी। अगर चाहे तो आप पानी सब्जी में कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं प्लेट के ऊपर फिर से पानी रखूंगी क्योंकि मैं ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी सब्जी में और यही पानी मैं सिर्फ सब्जी में डाल दूंगी। प्लेट निकाल ली है मैंने। और इसे एक उबलने दूंगी और उबलने के बाद गैस को बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो आज की हमारी अंडा करी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से बनी है। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें और मेरी ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।